नमस्कार जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। भले ही अभी 11 बज चुके हो लेकिन 10 बजे के रियलिटी चेक में जब जनता टीवी ने तस्वीरें देखी तो हैरान कर देने वाली थी। वो तस्वीरें थी रोहतक की। जी हाँ, रोहतक में लघु सचिवालय में जो कर्मचारी थे वो मौजूद नहीं थे। हालांकि रियलिटी चेक हमने 9 बजे से चलाया था लेकिन 10 बजते बजते भी जो अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि आपको पहले हमसे अनुमति लेनी चाहिए थी। और जनता टीवी के इस रियलिटी चेक में हमने यहाँ पर पाया है कि कई जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपने कार्यालय में यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद हमने जब उनसे जानने की कोशिश की तो वो वहाँ से नदारद दिखे। तो कुल मिलाकर तस्वीर यहाँ पर ये साफ है कि किस तरीके से यहाँ पर हिलावाली की जा रही है, आदेशों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। तो सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक किस तरीके से यहाँ पर हुआ वो भी आपने देखा। लगातार 9 बजे से हम रियलिटी चेक की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो मौजूद नहीं रहते। और जब उनसे पूछा जाता है इस बारे में तो वो ये कहते हैं कि आपको पहले अनुमति लेकर आनी चाहिए थी। हम इस वक्त खड़े हैं नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर और यहाँ की बात करें तो रियलिटी चेक के दौरान हम कार्यालयों पर पहुँचे हैं और ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अभी तक ताला लगा हुआ है और इस विंडो में जो भी कार्य होता है उसका समय 8 बजे का रखा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए आए हों वो समय से आकर लाइन में लगे हुए हैं और बंद कार्यालय के सामने लाइन में लगे हुए हैं। आप तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि इनको अपने छोटे जो छोटे बड़े कार्य हैं वो करवाने हैं। लेकर यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो अभी नींद से शायद जागे नहीं है। शायद उन्हीं को लगता है कि जो सर्दी का प्रकोप है बस उन्हीं पर भारी है, बाकी इन लोगों को शायद सर्दी नहीं लगती है। ये महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रीमा। रीमा जी, छोटा बच्चा है आपका, कितने बजे से खड़े हो? 7:15 बजे से बैठे हम तो यहाँ। क्या करवाना था? आधार कार्ड बनवाना था बच्चे का। कितने बजे खुलता है दफ्तर? ये 8 बजे का टाइम दिया, अभी तक तो खुला नहीं। और 8:15 बजे से आप यहीं खड़े हैं? हाँ, 9:30 हो गए, एक घंटे से आप बच्चे को लेके खड़े हैं। आपका क्या नाम? माता जी। राधा जी, कितने बजे से खड़े हैं आप यहाँ? 7:30। 7:30 बजे से 9:30, 2 घंटे से आप यहीं खड़े हैं और बंद कार्यालय के सामने? हाँ जी, क्या करें फिर सर? क्या करवाना है आपको? पोती का ही वो आधार कार्ड बनवाना है। आधार कार्ड बनवाना है, लेकिन अधिकारी कब तक आते हैं पता है आपको? पता नहीं सर, कोई पता नहीं है। आपका क्या नाम है? क्या नाम आपका? कमलेश। कमलेश जी, हाँ जी, कब से खड़े हैं आप यहाँ? 7 बजे से खड़े हैं। 7 बजे से 2.5 घंटे आपको लगभग हो गए यहाँ खड़े और 8 बजे कार्यालय खुलता है। हाँ जी। तो पूछा है किसी से, पता किया है? पता किया है, वो तो कह रहे 8 बजे का ही। 8 बजे का? तो 9:30 हो गए, अब तक क्यों नहीं खुला? ये तो वो जाने क्यों नहीं खुला पता नहीं इस बारे में। तो लोग जहाँ जो खड़े हैं करीब 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर उनको खड़े हो गए और जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि जो यहाँ पर आधार कार्ड बनाने का काम यहाँ पर होता है, ये कार्यालय है नगर निगम मुख्यालय के अंदर जहाँ पर आधार कार्ड बनाया जाता है, लेकिन ताला लगा हुआ है। जहाँ पर लोगों के लिए विंडो जो खोली गई है उस पर भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर लोगों की लाइन लग गई है। छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर माताएं बहनें और पुरुष लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें यही हैं सभी दफ्तरों की कि जो समय है, आधिकारिक जो समय है, सरकार ने जो एक समय बाउंड किया हुआ है उस समय से कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी किसी भी कार्यालय में मौजूद नहीं है। प्रतापास से जनता टीवी के लिए गजेंद्र राजपूत। और रोहतक से संजय भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लघु सचिवालय में आज उन्होंने रियलिटी चेक किया है। संजय, कुल मिलाकर तस्वीर ये बयां कर रही है कि रियलिटी चेक में यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला। कर्मचारी मौजूद नहीं थे, अधिकारी भी वक्त पे नहीं पहुंचे थे। लगभग 10 बजते बजते अधिकारी तो आए लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर 9 बजे के वक्त भी कई कर्मचारी और अधिकारी नदारद थे। बिल्कुल, देखिए लगातार हमने सुबह से ही यहाँ पर रियलिटी चेक किया। लघु सचिवालय है ये रोहतक का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं। 2009 में ये बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद सभी के सभी जितने भी ऑफिस हैं इसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए गए थे और इसी बिल्डिंग में सारे के सारे सरकारी काम जो है वो होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जनता के कुछ आदमी यहाँ पर पब्लिक जो है वो काम करवाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। सुबह से ही बैठे तो अभी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि कुछ कर्मचारी जो 9 बजे तक 10 बजे
वहाँ पर अपने ऑफिस में नहीं मिले, और कुछ कर्मियों से हमने जानना चाहा तो उन्होंने यही कहा कि हम इधर उधर गए हुए थे। लेकिन आप देख सकते जनता है वो इंतजार कर रही है आखिर सरकारी कर्मचारी हमारा कब काम करेंगे, क्योंकि काफी देर से आए हुए हैं। आपसे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ताऊ जी, क्या नाम है आपका? काम के लिए आए हो यहाँ पे? हम तो अपने काम की समस्या लेकर आए हैं, यहाँ कोई कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा, कब से बैठे हो यहाँ पे? पौने नौ बज जाते थे। कौन कर्मचारी यहाँ पर? कोई कोई बिल्कुल। देखिए ये यही इनका यही कहना कि कोई कर्मचारी बैठे 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साउथ जी उनसे भी बकरत है। आप भी यहाँ पर आए हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे आखिर नाम क्या है साउथ जी का? दयानंद है। दयानंद जी आप किस लिए आए, कहाँ से आए हैं? एक घंटा हो गया। कोई सुनने वाला नहीं अगर आए नहीं कोई, मतलब कारण बताओ कि तो बिल्कुल। देखिए ये इन लोगों का यही कहना है, आपसे भी जानना चाहेंगे ताऊ जी, बुजुर्ग आदमी है, सुबह से कब से यहाँ पर बैठे हैं? एक घंटा हो गया आपको यहाँ पर आए, से मिल रहे हैं आपको, क्या कहते हैं? कब तक बैठे हैं आप? उम्मीद क्या थी कार जो आपने बनाई, आपने वो डाली, जितना लोग आपके पास आते हैं तो क्या कहते थे? हम बढ़िया काम करेंगे, पब्लिक की सेवा हो रही है, हो रहा है उनका बोल दिया ना। तो आप अंजलि दे सकते हैं, आदमी है हमारे साथ, इनसे भी जानना चाहेंगे। अभी सिंह आप नाम क्या आपका? हाँ बलजीत जी, आप कब से यहाँ पर बैठे हो? एक घंटा। क्या आए हो? बिजली का काम था हमारा। फिर क्या हुआ? दो साल हो गए। दो साल? क्या कर्मचारी मिलते हैं यहाँ पर आपको? यहाँ पर नहीं, कर्मचारी के हम तो डीसी साहब के पास रहे, डीसी साहब बैठे। चलिए डीसी साहब कहीं किसी काम के लिए कह रहे थे कि वो किसी कैंप में गए हुए हैं, लेकिन इन्हीं लोगों का साफ जल्दी यही कहना है कि कुछ कर्मचारी जो है आज ड्यूटी पर नहीं मिलते 9 बजे से। चलिए संपर्क करेंगे दोबारा आपसे संजय, तकनीकी कारणों की वजह से शायद संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लोगों से वहां पर बातचीत की जा रही है। जो लोग वहां पर आए हैं अपने काम के लिए, सरकारी काम के लिए वहां पर आए हैं, कितनी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि जब वक्त निर्धारित है अधिकारियों और कर्मचारियों का, उस दौरान क्यों अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं रहते हैं, और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो पहले ये कहते हैं कि आपको अनुमति लेकर आनी चाहिए। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि सरकारी दफ्तरों में जब कर्मचारी अपने कर्तव्य को नहीं समझते तो फिर वो किस हक से दूसरे के कर्तव्य को बताने का हक यहाँ पर रखते हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि कब से वो वहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ काम के लिए वो आए हैं, कितने दिनों से वो चक्कर काट रहे हैं यहाँ का? तो यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं, काफी लोगों ने ये कहा कि हमें कुछ काम के यहाँ पर हिसाब से मिला है, लेकिन वो नहीं मिले। और सज्जन थे, उन्होंने भी कहा कि मैं बिजली के काम से यहाँ पर आया हूँ, वो भी यहाँ पर जो है अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कई दिन से मैं लगातार 2 साल से कह रहे हैं कि ये चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं हुए। हालांकि इनका यही कहना है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जब हमारे पास आता है तो ये ग्रामीण क्षेत्र में कि हम काम पूरी तरह से करेंगे, लेकिन उसके बाद खाली आश्वासन जो है वो दिया जाता है और यहाँ आकर वापिस चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता। हालांकि जी बताए, क्या रहते हैं जी? नानोन गांव से जी, बताए किस काम के लिए आए हैं? बिजली प्लांट के बारे में। तो क्या क्या समस्या जिसकी आपको, क्या दिक्कत है? तो यहाँ आकर कोई कर्मचारी आपको मिला नहीं क्या? अभी तक नहीं, कोई नहीं मिल गया। तो कब से बैठे हैं आप? कम से कम एक घंटा हो गया। तो अंजलि, लगातार घंटे से ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, कोई 2 घंटे से कर रहा है, कोई 1.5 घंटे से कर रहा है, तो इंतजार के बाद भी लोगों की समस्या का हल नहीं होता। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम क्या है आपका? सत्यनारायण जी, किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं? यहाँ तो पब्लिक सेवा के लिए आ रहे हैं, वो बड़ा लेडीज वार हो, देर हो जाए किसी को जी, उसको भी हम छोड़े हैं। चलिए, आप कौन से अधिकारी से मिलना चाहेंगे? क्या अधिकारी मिल रहे हैं आपको?
चलिए एस पी साहब से मिलने आते हैं, कुछ और भी कर्मचारी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम के लिए यहाँ पर आए हैं, और भी लोग हैं जिनसे भी मिलाना चाहेंगे, क्योंकि हम देखिए हमारा मकसद है रियलिटी चेक करना, लोगों को जागरूक करना, दिखाना सरकार के उन नामुंदों को जो जनता के सेवक अपने आप को कहते हैं, उनको दिखाना कि देखिए आपके राज्य में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अधिकारियों से भी अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जनता कितनी दुखी हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, पैसे लगाकर आते हैं, उसके बावजूद उनके काम होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, ताई जी नाम क्या आपका? बिमला। कहाँ से आए आप? धर्म से। किस काम के लिए आए? काम हुआ नहीं आपका? सबसे चिकन काटते हैं। कई दिन से क्या कर रहे कर्मचारी? चलिए ऑनलाइन हुए, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या नाम है आपका? सुमन जी बताएं, क्या क्या दिक्कतें क्या आ रही है आपसे? फिर क्या कह रहे हैं अंकली? कई महीने हुए अंकली, आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि कई महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहे। कारण क्या है? क्योंकि सरकार और मंत्री जो है वो बड़े बड़े वादे करते हैं इन लोगों के सामने आकर, चुनाव के समय में भी ये कहते हैं कि हम लोग आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार अब एक्शन मोड में जरूर दिखाई दे रही है, अधिकारियों पर जरूर गाज गिर रही है, कर्मचारियों पर जरूर गाज गिर रही है, लेकिन रियलिटी ये है, हम यहाँ पर लघु सचिवालय में पहुंचे और हमने रियलिटी चेक किया तो कुछ लोग सुबह के जब 9 बजे हमने रियलिटी चेक किया 9:05 जी। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि संजय बता रहे थे लोगों से जो वहां पहुंचे लोग हैं जो कि अपने सरकारी काम करवाने के लिए वहां पहुंचे हैं, उनसे जब उन्होंने बातचीत की तो उनका कहना है कि कई बार हम यहां पर आ चुके हैं लेकिन अभी भी इंतजार करने को कहा जा रहा है, क्योंकि कई जगह पर तो अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है या फिर वो देरी से आएंगे, इसको लेकर इस बात का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। तो सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक हमने जब यहाँ किया तो सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर रोहतक के लघु सचिवालय में सामने आई है, जहाँ पर अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वक्त पर दफ्तर नहीं पहुँचते हैं और लोग जो हैं वो घंटों घंटों इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो लघु सचिवालय है और आपको हम सुबह से दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति जो है कर्मचारियों को लेकर, जब उनसे पूछा जाता है कर्मचारियों से कि उनके साथी कर्मचारी और कहाँ हैं तो वो कहते हैं कि अटेंडेंस लगाने गए हैं, 10 बजते बजते ये कहा जाता है अधिकारियों द्वारा कि अनुमति इस पर लेनी चाहिए थी। और संजय संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजय अमूमन आपने कई लोगों से यहाँ पर बात की होगी, ज्यादातर लोगों का क्या कुछ कहना है? अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते भी हैं या सिर्फ हीलावाली की जाती है 1-2 घंटे के लिए और उसके बाद नदारत वहां से? आपसे बात करना चाहेंगे, क्या आप कहां से आए हैं? आप काम क्या है? चलिए कुछ लोग काम अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम जब रियलिटी चेक करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिस में गए तो उनका अधिकारी वहां पर मिला और उनका यही कहना था दोबारा से हम चलिए 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 रुक करेंगे आपका जरूर यहाँ पर संजय है, फिलहाल लोगों से भी आपने बातचीत की है और बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकारी दफ्तरों के रियलिटी चेक की तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयां कर रही है और ये मुहिम जनता टीवी ने इस को शुरू की है ताकि सरकारी कामकाज को लेकर जिस तरीके की हीला हवाली यहाँ पर कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा की जाती है उसमें यहाँ पर कमी आ सके, कम से कम वो कर्मचारी वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर समझे। और हमने रियलिटी चेक में जो देखा उससे यही जाना है कि अभी तक जो अधिकारी कर्मचारी हैं ज़्यादातर दफ्तरों में वो समय पर नहीं पहुंचते हैं, हालांकि कुरुक्षेत्र की जो तस्वीर थी वो इससे ज़रूर जुदा वहां पर नज़र आई, वहां पर नगर निगम में आपको बता दें कि तमाम जो कर्मचारी अधिकारी थे वो वहां पर समय पर मौजूद थे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि फरीदाबाद हो या फिर रोहतक हो यहाँ पर हालात जो इस तरीके से देखने को मिले कि कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो नहीं पहुँचे हैं। फरीदाबाद से हमने आपको दिखाया है कि आधार कार्ड बनाने वाला जो केंद्र है वहाँ पर लंबी लाइन लग चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक जो ताला है उस कमरे के दरवाजे पर वो लटक रहा है।
तो सरकारी दफ्तरों के रियलिटी चेक की मुहिम को जनता टीवी ने चलाया है और आपने देखा किस तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिली है रियलिटी चेक को लेकर, इस मुहिम को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि जो अधिकारी थे कर्मचारी थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं दिखे हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो इस पर वो कुछ भी कहने से साफ इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि जो उनके सहायक होते हैं उन्हें तक इस बारे में पता नहीं होता कि जो अधिकारी हैं वो कब तक आएंगे। तो कुल मिलाकर अब ये तस्वीर यहाँ पर बहुत कुछ बयां कर रही है कि अधिकारियों को शायद अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है कि आखिरकार, और उन्हें अपनी ड्यूटी का यहाँ पर पता नहीं है, शायद इस वजह से यहाँ पर अधिकारी लगता है कि वो यहाँ पर अपने दफ्तर में समय से नहीं पहुँचते हैं। हालांकि हिसार से प्रदीप दोहन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल अभी वहाँ पर किस तरीके की स्थिति वहाँ पर है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, अधिकारी वहाँ पर, कर्मचारी वहाँ पर पहुँच चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से 11:15 का टाइम हो चला है तो अभी जितने भी कर्मचारी थे और अधिकारी थे यहाँ नगर निगम में पहुँच चुके हैं और निरंतर अपना जिस तरह का कार्यशैली होती है रूटीन में उस तरह का पब्लिक डीलिंग है की जा रही है। परंतु सुबह का जो नज़ारा हमने आपको दिखाया था, जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारी यहाँ से नदारद थे और जो पब्लिक थी वो सुबह यहाँ पर पहुँच गई थी, क्योंकि जिस तरह से संडे को छुट्टी का दिन होता है और अगले दिन जो पब्लिक होती है ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और सुबह ही यहाँ पर जमा हो गए थे। परंतु यहाँ पर कर्मचारी थे वो अपनी सीट से नदारद थे, इसके चलते जो जितने भी लोग यहाँ पर अपने कार्य के लिए आए हुए थे वो यहाँ पर बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रहे थे। और कई बार ये उच्च लेवल के अधिकारी हैं या फिर जो मंत्री हैं जो विजिट करते हैं, बार बार यही आदेश दिए जाते हैं कि पब्लिक डीलिंग है सबसे वो सर्वप्रथम रखें और अच्छे ढंग से पब्लिक डीलिंग करें। जो समय दिया गया, निर्धारित किया गया है 9 से 5 का, उसी समय में वो कार्यालय में पहुँच जाए और अपना जो कार्य है वो शुरू कर दें। लोगों से आपकी बात हुई होगी वहाँ पर प्रदीप, जो लोग हैं जो कि अपने सरकारी काम को पूरा करवाने के लिए आए हैं और काफ़ी दिनों से भी आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसे भी लोग मिले जो कि काफ़ी समय से चक्कर काट रहे हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा है? जी निश्चित तौर पर जब यहाँ लोगों से बात की गई तो उनका यही कहना है कि जो सुबह का टाइम रखा गया है ऑफिस का 9 से 5 का और दिन में उन्हें अन्य भी काम होते हैं, इसके चलते वो सुबह आ जाते हैं ताकि जल्दी अपना जो काम है नगर निगम का वो काम निपटा सके। परंतु मौके पर कर्मचारी और अधिकारी नहीं मिलते हैं जिसके कारण समय पर उनका काम नहीं हो पाता है। हालांकि ऐसा कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पर देखने को नहीं मिला जिसको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से आदेश दिए गए विभाग की तरफ से या फिर यहाँ के मेयर हैं गौतम सरदाना, उनकी कार्यशैली है स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं यदि पब्लिक को किसी भी तरह की सुविधा होती है तो कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तो उनका भी डर यहाँ पर जरूर देखने को मिला। और जो कार्य है निश्चित एक दिन में यहाँ पर निपटा जरूर दिया जाता है, परंतु सुबह का जो टाइमिंग होता है वहाँ पर जरूर देखने को मिला कि कर्मचारी यहाँ से जरूर नदारद थे और सुबह का जो टाइम था 9 बजे का निर्धारित किया गया है उस समय पर जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। प्रदीप, क्योंकि कुल मिलाकर अब तस्वीर जिस तरीके की देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर अधिकारी समय पर अगर नहीं आ रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है सर? क्योंकि सरकार के मंत्री कहते हैं कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, तो ऐसे में तो सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ सरकारी आदेशों का भी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी में कोताही बरतता है तो सरकारी जो आदेश है उनका उल्लंघन होता है, तो स्पष्ट तौर पर बार बार अधिकारियों द्वारा चेताया भी जाता है कर्मचारियों को कि वो समय पर कार्यालय पर पहुंचे, परंतु बार बार इस तरह की आदेशों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाते हुए जरूर दिखाई देते हैं जो कर्मचारी है। और बार बार यही आदेश दिए जाते हैं कि पब्लिक डीलिंग है उसका सर्वप्रथम रखें और जो लोग यहाँ पर अपने कार्य करवाने के लिए आते हैं उनको ज़्यादा भटकना ना पड़े, परंतु बार बार वो जो पब्लिक के आदेश कर्म विभाग के आदेश हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए जरूर दिखाई देते हैं। प्रदीप, कुल मिलाकर अब तस्वीर जब इस तरीके की रियलिटी चेक की सामने आई, अमूमन लोगों का क्या कुछ कहना है? हर समय इस तरीके के हालात यहाँ पर बने रहते हैं, कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो वक्त पर नहीं पहुँचते हैं, क्या हर दिन इस तरीके की तस्वीर रहती है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर रोज यही देखने को मिलता है। और जिस समय हम जो कर विभाग है यहाँ पर वहाँ पर गए तो एक भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जितनी भी सीट थी सभी सीटें खाली थी। और जिस समय वहाँ पर चौकीदार पीएन है जो वो तैनात था, पीएन से बात की गई तो उनका यही कहना था कि साहब अभी कुछ ही देर में आएंगे, तो उनसे पूछा गया कि और कितना समय, 9:15 का तो समय हो गया है, अभी तक जो
एक कर्मचारी वो नहीं है, तो उनका यही कहना था कि 15 मिनट या आधे घंटे तक जो है कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। तो उनका निश्चित तौर पर जिस तरह का कहना था तो उससे साफ यही नजर दिखाई देता है कि रूटीन में यही होता है कि जो कर्मचारी है वो लेट ऑफिस में पहुंचता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर वक्त पर पहुंचते हैं नहीं, इस बात का रियलिटी चेक आज हमने अपनी इस मुहिम कार्यक्रम के जरिए किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।